ज्ञान का आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कॉमन एरर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का एजेंडा रहेगा कि हम 10 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इन 10 क्वेश्चंस का स्प्लिट अप है। एक कॉमन एरर आपका वर्ब से रिलेटेड होगा, 6 कॉमन एरर क्वेश्चंस आपके एडवर्ब से रिलेटेड होंगे और 3 कॉमन एरर क्वेश्चंस आपके प्रेपोजिशंस से रिलेटेड होंगे। साथ ही साथ में हम आज का वोकैब बेस्ड क्विज को भी देखेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो ये इंपॉर्टेंट एजेंडा रहेगा आज की वीडियो का। स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आज के क्विज थ्री को सॉल्व कर सकते हैं, जिसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले सेट के साथ। द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स वॉज सरप्राइज्ड। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने कहा था कि एज वेल एज को आप एंड की तरह ही समझ सकते हैं राइट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स वर सरप्राइज्ड होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और होल अगर हम एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमें एक प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है। सो द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर सरप्राइज्ड, ये आपका करेक्ट यूसेज हो जाएगा वॉज सरप्राइज्ड की जगह। Moving on to the second question, isn't he the best player in the hockey 11? Of course he is. अब यहाँ आपको याद रखना है of course का अर्थ होता है एक ऐसे context में कि of course, बिल्कुल, ये inevitable consequence होता है कि यही होगा। inevitable consequence के लिए हम of course का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर certainly का प्रयोग होगा। adverb से related ये error है। certainly will be more apt and appropriate. Isn't he the best player in the hockey 11? Certainly he is. क्योंकि certainly का अर्थ होता है yes he is. Of course का अर्थ होता है कि आपने कोई चीज़ करी उसका outcome, inevitable outcome के लिए, consequence के लिए आप of course का प्रयोग कर रहे हैं. Of course he'll be fired. क्योंकि उन्होंने कुछ कार्य किया होगा उस तरह से। विश्वनाथ बोर चेयरफुली हिज मिजरीज। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के केस में आपको एडवर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट यूज करना है। प्लीज याद रखिएगा एडवर्ब का प्रयोग आफ्टर द ऑब्जेक्ट होगा। पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर एडवर्ब आएगा ट्रांजिटिव वर्ब के केस में, ये एक रूल है। सो विश्वनाथ बोर चेयरफुली हिज मिजरीज, ये गलत हो जाता है। विश्वनाथ बोर हिज मिजरीज चेयरफुली। विश्वनाथ बोर हिज मिजरीज चेयरफुली। His miseries cheerfully, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि आपका adverb object के बाद आएगा, तो cheerfully आपका adverb जो है वो object के बाद आएगा। So विश्वनाथ bore his miseries cheerfully, that will be the correct usage. विश्वनाथ is too polite. अब यहाँ पर याद रखिएगा too polite is incomplete, right? Too polite किसके लिए, is too polite for what? So too means of course too का अर्थ होता है excessively, higher degree में। तो यहाँ पर you can write down विश्वनाथ is too polite to be unkind to anyone, to be unkind to anyone, या कोई भी चीज़ जो कि complete कर सके इस sentence को, to be unkind to anyone, that can be one way to complete the sentence, that विश्वनाथ is too polite to be unkind to anyone. Incomplete नहीं रखना है हमें। The spectators left the theater by and by. By and by का अर्थ होता है eventually. By and by का क्या अर्थ है, by and by का अर्थ है eventually, मतलब हो जाएगा ऐसा, right? Eventually. लेकिन यहाँ पर आएगा one by one. The spectators left the theater one by one. One by one, that will be the correct usage that you need to remember. I shall be back just now. So ये भी एक तरह का इसी तरह में ही है। I shall be back just now अगर आता है तो I shall be back presently, just now गलत हो जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। Moving on to the next question. This morning I got up lately. देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग early का opposite समझ लेते हैं और इसीलिए हम lately कर देते हैं। Lately is not the opposite of early. सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है that lately is not the opposite of early, and lately का अर्थ होता है not long ago, recently. Lately I shifted to Delhi, that means recently I shifted to Delhi, या not long ago. Not long ago के लिए हम लेटली शब्द का प्रयोग करते हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप लेट, इट हैज़ टू बी दिस मॉर्निंग आई गॉट अप लेट, दैट विल बी द करेक्ट यूसेज। आई नेवर मेट हिम टुडे
आई नेवर मेट हिम टूडे, ये गलत हो जाएगा. नेवर मीन्स नॉट एवर, मतलब कभी भी नहीं, राइट? सो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस के लिए हम नेवर का प्रयोग करते हैं. ये गलत हो जाता है, इवन तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं आई डिड नॉट मीट हिम, हम क्या यूज़ करेंगे, आई डिड नॉट मीट हिम टूडे, आई डिड नॉट मीट हिम टूडे, आज मैं उनसे नहीं मिली. दैट विल बी द करेक्ट यूसेज. अब ये कुछ क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चंस प्रपोजिशन से रिलेटेड. प्लीज़ राइट योर नेम्स विद इंक. अब यहाँ आपको याद रखना है, यू ऑलवेज से राइट इन चॉक और राइट इन पेंसिल, बट राइट विद अ पेन. सो लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इन आएगा. ये रूल अच्छे से समझ लीजिए, हम ऑलवेज कहते हैं प्लीज़ राइट इन चॉक, राइट इन चॉक, राइट? और वी से राइट इन पेंसिल, प्लीज़ राइट इन पेंसिल, बट वी ऑलवेज से दैट राइट विद अ पेन, राइट विद अ पेन. लेकिन यहाँ पर प्लीज़ राइट योर नेम इन इंक, विद इंक नहीं होगा, इन इंक होगा. आम बोलचाल की भाषा में हम अक्सर ये गलती कर देते हैं. ही कॉट द थीफ फ्रॉम द हैंड, ही कॉट द थीफ बाय द हैंड. अब यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रॉम द हैंड गलत हो जाता है, यू नीड टू यूज़ बाय द हैंड, राइट? क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो यू टेक बाय द हैंड, यू आर ऑलवेज टेकिंग द थिंग बाय द हैंड, दैट शुड बी रिमेम्बर्ड. एंड द लास्ट प्रपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन, ही इज़ सिटिंग ऑन हिज टेबल, ही इज़ सिटिंग ऑन हिज टेबल गलत हो जाएगा, ही इज़ सिटिंग एट हिज टेबल. देखिए, यू सिट एट अ पियानो और यू सिट एट वंस डेस्क, क्योंकि आप टेबल के ऊपर नहीं बैठे हैं, राइट? ऑन का प्रयोग होता है जब आप लिटरली ऊपर बैठे हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन अ सोफा, आप सोफे के ऊपर ही बैठे होते हैं, राइट? लेकिन इस केस में यू आर सिटिंग एट योर डेस्क, यू आर सिटिंग एट योर टेबल. दिस यू नीड टू रिमेंबर दैट यहाँ पर ही इज सिटिंग एट हिज टेबल, नॉट ऑन हिज टेबल, राइट? मूविंग ऑन नाउ टू द क्विज ऑफ द डे, ऑन द क्विवीव. नाउ इसे किवीव की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, वी प्रोनाउंस इट एज किवीव, ऑन द किवीव, इसे इस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा. ऑन द किवीव का अर्थ होता है जब आप एकदम सतर्क रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, तो जब आप बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हैं, वॉचफुल हैं. सो वेन यू आर वॉचफुल, वेन यू आर विजिलेंट, आप बहुत ही ज़्यादा या तो विजिलेंट हैं या फिर बिल्कुल ही इंटरेस्टेड हैं, ऑब्जर्वेंट हैं, उसके लिए हम ऑन द किवीव का प्रयोग करते हैं. टेक टू द रोड, टेक टू द रोड का अर्थ होता है जब आप एक जर्नी की शुरुआत कर देते हैं, एक टूर की शुरुआत कर देते हैं, व्हेन यू आर बिगिनिंग और स्टार्टिंग टू ट्रैवल. टेक द हाई रोड, टेक द हाई रोड का अर्थ होता है जब आप एक मॉरल पाथ को लेते हैं, व्हेन यू सिलेक्ट द नोबल एथिकल पाथ, उसके लिए हम हाई रोड, अच्छे मार्ग को, बहुत ही ज़्यादा जो सही मार्ग है उसको आप चुनते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, दैट इज़ यू आर टेकिंग द हाई रोड. सैकक्लॉथ एंड एशेज, सैकक्लॉथ एंड एशेज ये इस तरह से यूज़ किया जाता है, वेयर सैकक्लॉथ एंड एशेज, इसका अर्थ होता है जब आप पश्चाताप करते हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं, जब आप बहुत ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड वेयर सैकक्लॉथ एंड एशेज. वेयर सैकक्लॉथ एंड एशेज का अर्थ होता है जो आपको पछतावा हो रहा है, आप पश्चाताप करते हैं, सो एक तरह का सैडनेस है, रिग्रेट है. यू आर वेरी वेरी कंपंक्शियस, एक तो आप कंपंक्शियस शब्द को याद रख सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं आप सोरोफुल हैं. यू आर रिग्रेटफुल, आप कंट्राइट हैं, यू आर रिग्रेटिंग समथिंग, तो उसके लिए पेनिटेंट शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है. यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड पेनिटेंट, दैट इज वेयर सैकक्लॉथ एंड एशेज. बाय द बुक, दैट मीन्स के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ, उसके लिए हम बाय द बुक का प्रयोग करते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है आज की इस वीडियो में, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के माध्यम से जुड़कर उस डाउट को सॉर्ट करवा सकते हैं. आप अपने डाउट्स को कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं.